रिकॉर्ड तेजी के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली का दबाव दिखा। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स और निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट दिखी। आज निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 3% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 900 अंकों से ज्यादा टूटकर 70,506 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 21,593 के रिकॉर्ड हाई से फिसलकर 21,150 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार के दिनभर का हाल बता रही है हमारी सहयोगी नूपुर। अच्छी शुरुआत के बाद सेकेंड हाफ में मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिला, फ्री फॉल कह सकते हैं मार्केट में देखने को मिला। निफ्टी करीबन 1.5% की गिरावट के साथ आज बंद होते हुए दिखा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी वीकली, जहां से दबाव आते हुए नजर आए। मिड एंड स्मॉल कैप देखे तो आपको 2.5% से 3.5% तक के बड़े कट्स दोनों इंडेक्स पे आज देखने को मिले। तो आज सेकेंड हाफ मार्केट्स के लिए थोड़ा बेरिश की तरफ था, बेयर हेवी होते हुए नजर आए और का माहौल आपको देखने को मिला सेकेंड हाफ के दौरान मार्केट्स में। लूजर्स की लिस्ट के साथ शुरुआत करें तो अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, यूपीएल, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में आज 4% से 5% के बड़े कट्स यहां पे आते हुए दिखे। गेनर्स में ओएनजीसी थोड़ा कमांड संभालते हुए नजर आ रहे थे, 1.5% ऊपर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और ब्रिटानिया में हल्की फुल्की आज जो है खरीदारी देखने को मिली, लेकिन खबरों के चलते काफी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स आज फोकस में थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 11.5% का कट आपको यहाँ दिखेगा। प्रमल एंटरप्राइजेस, वरुण बेवरेजेस देखे तो यहाँ पे खबरों के बाद ये पॉजिटिव रिएक्शन आते हुए दिखा। ऑयल इंडिया में भी एनटेक की रिपोर्ट के बाद एक अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिला था। पीएसयू बैंक के लूजर्स आज आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक में देखे तो 10% का कट देखने को मिला। यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक में भी 8% से 10% का कट आज आते हुए नजर आया। ब्रॉडर मार्केट में मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में आज कुछ ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, 2.5% से 3.5% के बड़े कट्स इंडेक्स लेवल पे आते हुए नजर आए। काफी सारे स्टॉक्स में 5% से 10% के बड़े कट्स भी देखने को मिले। लूजर्स के साथ शुरुआत करें तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एनबीसीसी, श्रीराम प्रॉपर्टीज 9% से 10% के कट के साथ बंद होते हुए नजर आए। और गेनर्स में हालांकि जो डायग्नोस्टिक कंपनीज है वहां पे आज थोड़ी खरीदारी देखने को मिली कोविड के केसेस के चलते। विडिया डायग्नोस्टिक, हैस्टन एग्रो, वीमार्ट रिटेल और वोल्टास में आज अच्छा जो है मोर माहौल बनते हुए नजर आया, लेकिन आज दबाव के साथ बाजार ट्रेड करते हुए दिखे सेकेंड हाफ में। और कमजोरी के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मॉल एंड मिड कैप सारे के सारे इंडस्ट्रीज बंद होते हुए दिखे।